आज की इस आओ सिलाई सीखे वीडियो में मैं आपको ये पिल्लो कवर बनाना बताऊंगी। ये जो पिल्लो कवर है इसकी खास बात ये है कि इस पे मैंने जिप लगाई हुई है और जिप आपको दिखाई नहीं देगी। देखो इधर की साइड से भी आपको जिप दिखाई नहीं दे रही, इधर की साइड से भी देखो आपको जिप दिखाई नहीं दे रही। तो जो जिप है मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ लगाई हुई है। ये मैंने यहाँ पे जिप लगाई हुई है इधर की साइड, ये यहाँ पे इससे कवर हो जाती है, तो ये जिप चुभने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने के लिए तो आप वीडियो का आगे का पार्ट जरूर देखें। नमस्ते, मैं हूँ आपकी सहेली संगीता डेजी। पिल्लो कवर बनाने के लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। आप भी अगर पिल्लो कवर बनाना चाहते हैं तो कॉटन का ही कपड़ा लेना आप। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पिल्लो का नाप कैसे लेना है। सबसे पहले आप अपने पिल्लो की लेंथ नाप लीजिए। पूरा इंची टेप को ग्राउंड कर लिया, पूरा इस तरह से इजी कर लो। ये आपका पूरा 51 आ रहा है, लेंथ है पिल्लो की 51। और अब विड्थ ले लेते हैं। थोड़ा सा जब भी आप पिल्लो नापे ना तो बहुत आप टाइट मत नापो, नॉर्मल जो भी पिल्लो का मेजरमेंट आ रहा है अब वो नाप लो। 29 में इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। ये लेंथ मैंने 51 ली है और विड्थ मैंने ली है 29। अब आपने इसका हिसाब कैसे लगाना है, पहले हम लेंथ देख लेते हैं। लेंथ हमने कितनी चाहिए, 51 हो गया डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि अब इसके हमारा हमने ऑल राउंड नापा है ना तो हमने दो पल्ले लेने होंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25.5। अब उसमें हमने, अगर आप साइड में 1 इंच का रखना चाहते हो तो 1 इंच हम ये प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस 1 इंच वो हो गया आपका और आधा इंच अंदर स्टिचिंग के लिए, तो 0.5 हमारा हो गया ये स्टिचिंग के लिए। अब प्लस इसमें जो हमारी फ्रंट साइड है इसके लिए 2.5 इंच हम और प्लस करेंगे तो हमारा ये आ गया 29.5। तो 29.5 इंच जो है ये हम लेंगे कपड़े की लेंथ। अब ऐसे ही हम विड्थ निकाल लेते हैं। विड्थ हमने 29 ली थी तो 29 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 14.5। अब 14.5 में हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब ये देखो 1-1 इंच हमने ये दोनों साइड से रखना है, ये 1 इंच और 1 इंच, ये 2 इंच ये हो गया तो 2 इंच हमने ये प्लस कर दिया और आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई का, यानी कि 1 इंच हो गया। और यदि आप ये नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको फिर माइनस कर सकते हो, 2 इंच फिर आप मत रखो। अगर आप रखना चाहते हैं तो 2 इंच आप रख सकते हो। तो टोटल कितनी विड्थ हमको चाहिए, 14, 15, 16, 17.5। इसको हम राउंड फिगर में कर देते हैं 30 इंच और इसको हम राउंड फिगर में कर देते हैं 18 इंच, क्योंकि पिल्लो में आधे इंच का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमने जो लेना है कपड़ा, लेंथ से लेना है 30 इंच और विड्थ हमको लेनी है 18 इंच। तो हम इस मेजरमेंट के दो पल्ले काट लेंगे। ये मैंने दो अलग अलग टुकड़े कट कर लिए हैं। ये लेंथ 30 इंच है और ये विड्थ जो है वो 17.5 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले हम जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए हम इसमें 2.5 इंच का ऊपर फोल्ड करेंगे। ये हमारा उल्टी वाली साइड है और ये हमारी सीधी वाली साइड है। यहाँ पर मैं ये क्रॉस का निशान लगा देती हूँ। ये वाली उल्टी वाली साइड है, जो मैंने टिक मार्क का निशान लगाया है वो सीधी वाली साइड है। अगर प्रिंटेड कोई ऐसा कपड़ा ले रहे हो जिसके कपड़े का, जैसे कोई चिड़िया बनी है या कोई फ्लावर बनी है जिनकी एक साइड पे ही कोई शेप जा रही हो, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से कपड़ा रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक पल्ले का हम ये 2.5 इंची का फोल्ड करेंगे। ये वाला जो फोल्ड किया हुआ ना, ये एक एक साइड पे हम पहले ये वाला फोल्ड कर लेंगे। इसके लिए मैं इसकी, देखो सीधी वाली साइड ऐसे मोड़ना है ना, हमने यूं करके मोड़ना है, उल्टी वाली साइड मोड़ना है, तो इसलिए मैं सीधी वाली साइड पे निशान लगा रही हूँ। मैं अपनी प्रेस ऑन कराती हूँ। पहले मैंने प्रेस ऑन करने रख दिया। ये ध्यान रखें सीधी वाली साइड है। यहाँ पे मैं 2.5 इंची का निशान ले रही हूँ, एक आधा इंची का और एक 2.5 इंची का। जो आधा इंची का पहला फोल्ड फिर वो दूसरा फोल्ड, इस तरह से हम फोल्ड करते हैं ना, जैसे पहले हम ऐसे फोल्ड करते हैं, है ना, तो
तो ये इस पे मैं आधे इंची का निशान लगाऊंगी। फिर उसके ऊपर हम ऐसे फोल्ड करते हैं, तो ये मैं ढाई इंची का निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। ये मैंने ऐसे रखा इंची टेप, ये मैं यहाँ पे एक आधा इंच का निशान लगा रही हूँ और एक मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ढाई इंची का निशान। निशान लगा दिया। अब पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से क्या होगा कि जो फोल्ड है ना वो बैठ जाएगा। ये इस तरह से, और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे ऐसे, और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब मैं इसके ऊपर निशान लगा लेती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जिसकी डायरेक्शन एक ही साइड जा रही हो, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, जैसे ये सीधी वाली साइड है तो उसको मैंने ऐसे रखा, जैसे सीधी वाली साइड नीचे है। मान लीजिए कोई कपड़े का प्रिंट ऐसे ऐसे है जिसकी लाइनें इस तरह से जा रही है, डायरेक्शन समझाने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो जब आप दूसरा पल्ला रखेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही जानी चाहिए, तो फिर आप पहले उसको रख के देख लेंगे। जैसे मैंने सीधी वाली साइड नीचे रखी है ना, और इसकी भी मैं सीधी वाली साइड ऊपर करूंगी, मतलब कि उल्टी वाली साइड मैंने आपस में मिलाई है। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि दूसरी साइड पे आपको कहाँ पे निशान लगाना है जिप वाला। जैसे इस वाले कपड़े पे मैंने ये जहां निशान लगाया है, यानी कि ये हमारा जिप वाली साइड है, तो दूसरे वाले कपड़े को भी मैंने जब ऐसे रख के देखा तो देखा कि हम इधर वाली साइड पे निशान लगाएंगे। यदि आपके कपड़े में कोई डायरेक्शन जा रही है, मान लीजिए इस कपड़े पे भी इस तरह से डायरेक्शन है प्रिंट की, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने चेक नहीं किया और मैंने इधर की साइड पे फोल्ड कर दिया जिप के लिए, और फिर जब मैं उसको सिलने बैठूंगी इस तरह से, क्योंकि ये देखो ना सीधी वाली साइड ये रही और ये सीधी वाली साइड रही, तो एक साइड कपड़े की डायरेक्शन इधर को चली जाएगी और दूसरे वाले कपड़े की डायरेक्शन उधर को चली जाएगी, तो प्रिंट उल्टा हो जाएगा। और यदि आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको एक ही साइड पे डायरेक्शन रखनी है, फिर आप जब आपने पहले कपड़े पे निशान लगा लिया तो फिर दूसरे कपड़े पे निशान लगाने के लिए आप उसको पहले रख के चेक कर लो ऐसे सीधा। तो मैं इसके कपड़े की इधर वाली साइड पे निशान लगा रही हूँ। वैसे प्लेन है इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रिंटेड कपड़े पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसमें भी मैं सीधी वाली साइड पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करना है। इधर हमने जो फोल्ड करना है वो एक इंच का फोल्ड करना है, एक आधा इंच का, पहले ये आधा इंच का, फिर उसके बाद ये एक इंच का फोल्ड, ये वाला फोल्ड करना है। उसके ऊपर हमने ढाई इंची का किया था, इस पे हमने एक इंच का फोल्ड करना है। ये निशान लगा दिया। अब मैं इस पे भी पहले इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करूंगी, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करूंगी। अब मैं पहले इन दोनों को फोल्ड के ऊपर प्रेस करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने दोनों को फोल्ड कर लिया है और प्रेस से मैंने इनको बिठा लिया है। प्रेस से बिठाने से क्या होता है कि सिलाई आप आराम से लगा सकते हो, आप चाहो तो इस पे कच्चा भी कर सकते हो। अब मैं पहले सिलाई लगाती हूँ, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे इधर भी लगा ली है और मैंने इधर भी लगा ली। अब हम इस पे जिप लगाएंगे। अब जो हमने ढाई इंच का फोल्ड किया था, पहले हम जिप उस पे लगाएंगे। ये जो कपड़े का फोल्ड वाला साइड है वहां आपको जिप लगानी है। जिप को आपने जो जिप का सीधे वाला हिस्सा है ना, ये जिप का सीधे वाला हिस्सा है, इसको ऐसे अंदर की साइड रखा है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये जो हमने फोल्ड किया है इधर वाली साइड पे हम जिप लगाएंगे। ये जो जिप का सीधे वाला हिस्सा है, सीधे वाले हिस्से को ऐसे अंदर की साइड रखा है। ये जो
मोम वाला हिस्सा है इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। अगर आपकी जिप छोटी है तो आप थोड़ा सा इसको अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब मार्जिन आता है ना उसमें वो दब जाती है, लेकिन मेरी जिप पूरी है तो मैं इसलिए इसको, ये जो मोम वाला हिस्सा ना इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये इधर यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी इस वाली साइड पे, ये जिप की उल्टी वाली साइड है। जिप लगाने के लिए ये मैंने सिंगल वाला जो फुट होता है वो लिया है मैंने, ये मैंने जिप लगा ली है। अब जो दूसरा पार्ट है जिप का वो उस वाले पार्ट से हम जोड़ेंगे, कैसे रखना आप वो देखिए। इस वाले पार्ट को ऐसे कर लीजिए, इस तरह से ऐसे रख लिया इस वाले पार्ट को। ये उल्टी वाली साइड है पल्ले की और ये सीधी वाली साइड है। अब इस पल्ले को यहाँ पे यूं रख के हमें स्टिच करना है, यानी कि ये सीधी वाली जो साइड है पल्ले की वो जिप की सीधी वाली साइड पे रखेगी। यहाँ पे यूं रखते हुए हमें यहाँ पे इसको अटैच करना है। इससे पहले हम एक काम करते हैं, ये ना आप यहाँ पे निशान लगा लो ये, और ये बीच में भी निशान लगा लेते हैं ताकि जब जिप बंद हो ना तो वो निशान से निशान मैच हो। जिप आपकी टेढ़ी भी होनी चाहिए लगते वक्त, और जो एंड है जिप का वो यहाँ पे आएगा। अब हमने ये सीधी वाली साइड को हम यहाँ से रखना शुरू, ये यहाँ नहीं रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे तो जिप हमारी टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये पार्ट हमारा इतना बड़ा है ना, तो इसलिए इसको भी जब हम रखेंगे ये जहां से रख के हम सिलेंगे इधर, इसलिए हमने ये निशान बनाया है इस तरह से रख के, और जबकि हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान रखेंगे ये वाला पल्ला हम कहीं बीच में ना आ जाए, इसलिए इसको आप इधर की साइड कर देना। भी ऐसे रखोगे ना तो बीच में सिल सकता है, तो इसको आप इस तरह से पकड़ते हुए यूं रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको। जब हमने जिप लगा ली, अब हमने जिप का जो दूसरे वाला हिस्सा है दूसरे पल्ले पे लगाना है। इसके लिए हम ये कपड़े को हमने इस तरह से रख लिया, ये उल्टी वाली हिस्सा हमारा ऊपर है। अब हम ये हमने निशान लगा लिए थे कि ये वाली जिप हमारी यहां तक लगी हुई है, तो हम दूसरे वाले पल्ले को ऐसे पकड़ेंगे, ये सीधे वाला हिस्से जो है वो इस तरह से है हमारा, जिप का सीधे वाला हिस्सा और कपड़े का सीधे वाला हिस्सा आपस में फेसिंग है, तो हम इसको यहाँ रखेंगे जहां हमने ये निशान लगाया है। यहां से हम निशान रखते हुए ये जिप को इस तरह से रखते हुए हम सिल देंगे, और जो ये वाला कपड़ा आप ध्यान रखो इसको इधर की साइड रखो सिलते वक्त, ऐसे रखोगे तो जिप के साथ सिल जाएगा, हमको जिप के साथ नहीं इसको सिलना, इसको हम ऐसे पकड़ के इसको हम यूं पकड़ते हुए सिल देंगे। ठीक है, अब मैं इसको मशीन पे पहले सिल लेती हूँ। ये मैंने दूसरा हिस्सा भी स्टिच कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने जिप किस तरह से लगाई है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। अब हमने इसको इस तरह से करके साइडें सिल लिया, लेकिन साइडें सिलने से पहले आप क्या करो, थोड़ा सा ना हम इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि कपड़ा से ठीक से हमारा खींच जाए, बाहर को निकल आए कपड़ा। ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब हमने क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करने से पहले ना ये जो है इसको इधर की साइड कर लो, ना कि हमने देखना है कहाँ से फोल्ड करना है। ये इसको ये थोड़ा सा ये जहाँ पे आ रहा है ना इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ निशान लगा दिया, और इधर भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ निशान लगा दिया, मतलब ये एक अंदाजा लगा लिया कि आपको कहाँ से कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई करनी है। ये आपका जो है ना ये इधर की साइड आएगा ऐसे, और ये हमने फोल्ड किया हुआ ये निशान लगाया, ये यहाँ से यूं फोल्ड करना करो, और इधर से भी आप ये हमने निशान लगाया था ना तो ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिया और इसको हमने यूं कर दिया। ये आधा इंची के मार्जिन पर हम ऐसे पूरी साइडें सिल देंगे। अब आप चाहो तो कपड़ा हिल ना जाए ऐसे और पिन भी लगा सकते हो ताकि सिलते वक्त कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। ये मैंने स्टिच कर ली है इसकी साइड्स, और स्टिच करते वक्त जैसे मैंने आपको कहा था ध्यान रखना वो जो हमने ये 2.5 इंच वाले जो फोल्ड करी थी ना पट्टी उसको आपने ऐसे ऊपर की साइड रखते हुए स्टिच करना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है हमको, अब ये जो जिप इतनी जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर देती हूँ, ये मैंने कट कर दी, और इधर से भी कट कर देती हूँ एक्स्ट्रा जिप को,
और ये जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स हमारे इजी तरह से निकल आए, तो यहाँ से कॉर्नर से भी हम कट कर देते हैं कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से मैंने कट मार दिया और थोड़ा सा ऐसे कट मार देते हैं, इससे क्या होता है जो कॉर्नर से है वो सही तरह से निकल जाते हैं। और अब मैं इसको पलटा दूंगी। ये हमारा बन गया है पिल्लो कवर। अब हमने जो 1 इंच ऊपर झालर के लिए निकाला था कपड़ा, अब हम 1 इंच का निशान लगाकर इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे ऊपर। अब यहाँ पे हम 1 इंच ऐसे रख के निशान लगा देंगे 1 इंच का। ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब मैं ऐसे स्केल रख के निशान को मिला देती हूँ। ये देखो, ये मैंने ये निशान लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने साथ चारों ओर इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये सिलाई से एक तो क्या होता है कि एक तो पिल्लो कवर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है और जो अंदर की सिलाइयाँ होती है ना वो भी छुप जाती हैं, और ये जो है जिप ये भी बैठ जाती है। तो ये वाली जो है ये आप लगा लोगे तो बेटर रहेगा। अब मैं इस कवर को चढ़ा के दिखाती हूँ उसके ऊपर। ये चढ़ गया पिल्लो कवर, देखिए इसके अंदर है यहाँ पे। कैसा लगा आपको ये पिल्लो कवर? और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो इसको आप लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये मेरा जो पिल्लो कवर है ये आपको कैसा लगा, समझ में आया? और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।